कोरोना के इस काल में चिकित्सकों का योगदान बहुत ही सराहनीय है। चिकित्सकों द्वारा किए गए सेवा भाव के कार्यों का नतीजा है कि आज देश कोरोना से मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जबलपुर में चिकित्सक इन दिनों सोशल मीडिया में उन्हें टारगेट किए जाने से खासे नाराज हैं। शनिवार को एमपी नर्सिंग होम्स एसोसिएशन आईएमए समेत चिकित्सकों के संगठनों के प्रतिनिधि एसपी कार्यालय पहुंचे और शिकायत सौंपी। उनका आरोप था कि सोशल मीडिया में कुछ ग्रुप उन्हें न सिर्फ बेवजह टारगेट करते हैं बल्कि भद्दी भद्दी गालियों और गंदे कमेंट भी लिख जाते हैं। एक तरफ वो लोगों को कोरोना से बचाने की मुहिम में जुटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे ग्रुप मरीज और उनके परिजनों को भड़का रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विश्व में कोरोना महामारी चल रही है। हमारी संस्कारधानी के लोग भी इस महामारी से पीड़ित हैं। प्रदेश के अंदर 4 डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है। अनेक डॉक्टरों को, स्टाफ मेंबर्स को, हॉस्पिटल स्टाफ को कोरोना संक्रमण हो चुका है। भय का वातावरण तो हमारे स्टाफ में भी है, डॉक्टर्स में भी है, पर इसके बाद भी कोई भी डॉक्टर आज घर नहीं बैठा हुआ है। हर डॉक्टर मरीजों की चिकित्सा कर रहा है, खुद की पर्सनल रिस्क के बावजूद अस्पताल में बैठ के 25, 30, 50, 100 मरीज देख रहा है। अपने आप को इतनी बड़ी रिस्क में रखने वाले इन चिकित्सकों के विरुद्ध यहाँ पर एक ग्रुप काम कर रहा है, पूरे सोशल मीडिया के अंदर वातावरण को दूषित कर रहे हैं, डॉक्टरों और मरीजों के बीच में अविश्वास का वातावरण निर्माण कर रहे हैं और इतनी भद्दी भद्दी और गंदी भाषा में अपने कमेंट्स लिख रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि इनका जन्म संस्कारधानी में हुआ है या और किसी अत्यंत विकृत शहर में हुआ है। हमारा जो शहर है वो संस्कारों का केंद्र है, पर संस्कारों को एक तरफ रखते हुए पूरे शहर के अंदर ऐसे चिकित्सकों को गालियां देना जो वास्तव में अपने आप को खतरे में डालकर और समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या इनको शोभा देता है? हमने एसपी साहब को आवेदन दिया है, प्रतिवेदन दिया है कि ऐसे ग्रुप को तत्काल बंद कराया जाए और ऐसे ग्रुप के अंदर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मरीजों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, जो मरीजों को कह रहे हैं कि आप अस्पतालों में जाइए और हंगामा करिए, मारपीट करिए, 4 जूते मारिए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए कम है। और नर्सिंग होम एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, समस्त चिकित्सक, अब क्योंकि कोरोना का वातावरण है इसलिए केवल 4 लोग आए हुए हैं पर सारे चिकित्सक साथ हैं, शहर के संस्कारधानी के नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की भ्रांति फैलाने वाली, अफवाहें फैलाने वाले ग्रुप्स के ऊपर विश्वास न करें और उनका बायकॉट करें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।